टैक्स फॉर वेल्थ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। फ्रेंड, जैसा मैंने आपसे अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था फोर मस्ट फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के बारे में, आज मैं उन्हीं में से जो सबसे पहला प्रोडक्ट था मेडिक्लेम, जो मुझे लगता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल प्रोडक्ट है जो सभी इंडिविजुअल के पास में जरूर होना चाहिए, आज मैं उसी प्रोडक्ट के बारे में आपसे थोड़ा डिटेल्स में बात करूंगा। मेडिक्लेम क्या होता है, क्या उसके फीचर्स हैं, किसे उसे लेना चाहिए, कितना मेडिक्लेम कवर आपको लेना चाहिए और मार्केट में कौन कौन से मेडिक्लेम प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, आप कैसे अपने लिए बेहतर मेडिक्लेम प्रोडक्ट चूज कर सकें। तो दोस्त देखिए, मेडिक्लेम क्या होता है। मेडिक्लेम एक वो फाइनेंशियल प्रोडक्ट है जो आपको उन खर्चों से बचाता है जो आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने की वजह से आपके ऊपर आता है। अब वो हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहे वो किसी बीमारी की वजह से हो, किसी एक्सीडेंट की वजह से हो, किसी भी वजह से हो सकता है और आपको पता है कि वो खर्चे बहुत बड़े होते हैं। आज के टाइम पे एक छोटी सी छोटी बीमारी का खर्चा भी इतना ज़्यादा होता है कि एक नॉर्मल फैमिली के लिए उसे बेयर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेडिक्लेम वही फाइनेंशियल प्रोडक्ट है जो आपको उन खर्चों से आपको बचा सकता है। अगर आप सही समय पे सही अमाउंट का अगर मेडिक्लेम प्रोडक्ट खरीद लेते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, तो आप उन खर्चों से बच सकते हैं। और देखिए, मेडिक्लेम एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मुझे ऐसा लगता है जो आज नहीं तो कल सभी को उसकी ज़रूरत पड़नी है, क्योंकि ये बॉडी ऐसी चीज ही है जो आज नहीं तो कल या तो उसे कोई बीमारी होगा या उसे कोई चोट लगेगी, कुछ ना कुछ ऐसा होता है समय के साथ में जो कि आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है और फिर उसके एक्सपेंसेस होते हैं, वो अनबेयरेबल हो जाते हैं। तो इन खर्चों से बचने के लिए दोस्त आपको जो मेडिक्लेम प्रोडक्ट है वो जरूर लेना चाहिए, सभी को लेना चाहिए। अब मेडिक्लेम आपको लेना ना सिर्फ अपने लिए लीजिए, इनफैक्ट अपनी पूरी फैमिली के लिए लीजिए। उसे मेडिक्लेम फैमिली फ्लोटर प्लान बोलते हैं जो मार्केट में बहुत ईजिली अवेलेबल होता है। उसमें आप अपने पेरेंट्स को, स्पाउस को, अपने बच्चों को अपने साथ आप कवर कर सकते हैं। देखिए, मेडिक्लेम कई तरह के होते हैं, मैं आपको बोलूँगा बिल्कुल वनीला प्लेन मेडिक्लेम प्रोडक्ट आप लीजिए विदाउट एनी। अब आपको कोई बताएगा मेडिक्लेम विद ओपीडी ले लीजिए, मेडिक्लेम विद मेटर्निटी ले लीजिए, मैं आपको बोलूँगा ये वर्थ नहीं होता है। आप जितना एक्स्ट्रा पैसा देंगे उस प्रोडक्ट को लेने के लिए, आप ये मान के चलिए वो वर्थ नहीं होगा। तो मैं आपको बोलूँगा नॉर्मल प्लेन वनीला मेडिक्लेम प्रोडक्ट लीजिए। हाँ, अब बात आती है कि आपको कितने अमाउंट का लेना है। तो देखिए, ये मैं बोलूँगा दोस्त, आप जितने बड़े अमाउंट का लीजिए उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। इसलिए अच्छा रहेगा क्योंकि आने वाले समय में, ताकि आपको एक्स्ट्रा मेडिक्लेम पॉलिसी ना लेना पड़े, आपके ऊपर वो बर्डन नहीं है कि आप एक्स्ट्रा फिर से एक मेडिक्लेम पॉलिसी खरीद करके अपना खर्चे बढ़ाएं। जितनी जल्दी हो सके आप एक प्रोडक्ट लीजिए और कोशिश कीजिए बड़े से बड़े अमाउंट का, सफिशियंट अमाउंट का एक लीजिए। वो सफिशियंट अमाउंट 25 लाख हो सकता है, 30 लाख हो सकता है, 50 लाख हो सकता है, जो आपकी पूरी फैमिली को कवर करेगा। तो आपको कोशिश करना चाहिए कि अच्छे से अच्छे अमाउंट का मेडिक्लेम प्रोडक्ट लें और जितनी जल्दी हो सकता है आप लें। अब बात आती है कि भाई हम अपने लिए सबसे अच्छा मेडिक्लेम प्रोडक्ट कैसे चूज करें, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनीज अवेलेबल हैं। डेफिनेटली कुछ प्राइवेट कंपनीज हैं, कुछ गवर्नमेंट कंपनीज हैं। तो मैं आपको इसमें ये सजेस्ट करूँगा, आप इसमें पहले तो ये देखिए कि कौन सा ऐसा मेडिक्लेम कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है जिसका कि मैक्सिमम हॉस्पिटल्स के साथ में टाई अप है, कैशलेस फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, क्लेम रेशियो जिनका ठीक है, और प्लस मैं आपको बोलूँगा कि आप कोशिश कीजिए कि आप बड़ी कंपनी का ही लीजिए, रिनाउंड कंपनी का ही लीजिए जिनका ट्रैक रिकॉर्ड एक मार्केट में इस्टेब्लिश हो रखा है। आप कोशिश कीजिए उसी कंपनी से लीजिए, थोड़ा सा अपना प्रीमियम बचाने के लिए, प्रीमियम में थोड़ा सा पैसा सेव करने के लिए आप किसी छोटी कंपनी के पास में मत जाइए, क्योंकि वहाँ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। नॉर्मली ऐसा सुनने में आता है कि वो आती है, वो क्लेम देने में डिनाई करती है एट टाइम्स। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए ये बोलूँगा कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप मेडिक्लेम पॉलिसी खरीदते हैं, इंश्योरेंस कंपनी आपसे और आपके परिवार के हेल्थ के बारे में आपसे ज़रूर पूछती है डिटेल्स में। तो मैं आपसे बोलूँगा कि आप बिल्कुल डिटेल्स में अपने सारे हेल्थ इश्यूज़ को डिक्लेयर कीजिए वहाँ पे, क्योंकि इन्हीं की वजह से आगे चल के आपको प्रॉब्लम आता है, आपको क्लेम नहीं मिलता अगर आप डिक्लेयर नहीं करते हैं उस टाइम पे। तो अगर आप डिक्लेयर करके रखे होते हैं तो फिर इंश्योरेंस कंपनी के पास डिनाइल करने का कोई रीज़न नहीं होता अगर उन्होंने आपको मेडिक्लेम पॉलिसी ऑफर कर दिया है। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आप ज़रूर अपने हेल्थ के बारे में, अपने फैमिली के हेल्थ के बारे में क्लियरली ऑनेस्टी के साथ आप डिक्लेयर करें अगर कोई हेल्थ इश्यूज हैं तो। नॉर्मली लोग वहाँ पे ये सोचते हैं कि मैं ना बताऊँ अपने हेल्थ इश्यूज के बारे में। आप दोस्त ये मान के चलिए इंश्योरेंस कंपनीज आर वेरी स्मार्ट, वो पकड़ ही लेंगी, और अगर आपके हेल्थ में कोई प्रॉब्लम होगा तो जब आपको रियली रिक्वायर्ड होगा क्लेम लेने का, आपको इंश्योरेंस कंपनी मना कर देगी।
तो इसीलिए आप अपने हेल्थ इश्यूज़ के बारे में इनिशियल लेवल पे ही सारी बातें डिक्लेयर कीजिए। इंश्योरेंस कंपनी को डिसीजन लेने दीजिए कि वो आपको कैसे मेडिक्लेम ऑफर करती है, फिर आप मेडिक्लेम पॉलिसी लीजिए। आई होप मैंने ब्रीफ में ऑलमोस्ट सारी चीज़ों को कवर कर दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूँगा अपने नेक्स्ट फाइनेंशियल प्रोडक्ट के बारे में। अगर आपको मेडिक्लेम से रिलेटेड कोई और ऐसी जानकारी लेनी है जो आपके दिमाग में है, आपको क्वेरी है, तो आप प्लीज़ हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें हमें कमेंट कर सकते हैं, हमारे कमेंट सेक्शन पे जाकर के हमें कमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल आप हमें अपना फीडबैक दीजिए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।